हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कला यात्रा। मेरा नाम है ब्रिजेश और आज हम जा रहे हैं एक नई ट्रिप पे, मानसर और सुरिंसर लेक। यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जी, ड्राइंग बना रखी है मैंने। ये अभी अधूरी है, इस पे भी काम चल रहा है। आजकल मैं पेंटिंग करता रहता हूँ तो व्लॉगिंग बहुत कम कर रहा हूँ, और दिखाता हूँ मैं आपको, एक पेंटिंग मैंने बना रखी है। ये देखो, यहाँ पे सब कलर वलर है और ये इस पे काम किया मैंने। 2-4 दिन लग गए मुझे इस पे काम करने में। बाकी इधर भी पेंटिंग है, बाकी बिस्तर बिखरे पड़े हैं और फटाफट से निकलते हैं। और तो हेलमेट लगा के बालों की तो ऐसी की तैसी हो गई है। और अभी हम रुके हैं यहाँ पे, यहाँ से बड़ा प्यारा व्यू दिख रहा था मेरे पीछे, देखो उधर। मुझे भी लग रहा है ऐसे ऐसे चढ़ के पूरा ऐसे उधर तक जा सकते हैं। मज़ेदार व्यू है, कैसा लग रहा है मुझे? अच्छा है, थोड़ा अलग है। वैसे बरसात के टाइम पे इस रोड पे आने में बड़ा मज़ा आएगा, नहीं हूँ तो ठीक है, चलते हैं। बाकी देखते हैं यार, भूख लग रही है, थोड़ा कुछ खाएंगे कहीं, अगर कुछ मिलता है अच्छा तो। तो गाइस यहाँ से सामने देखो, ऐसे पूरा मतलब रोड पे ना, ऐसे पहाड़ों पे ऐसे साइड ऐसे पूरे बस कह रहा हूँ पूरे ट्रक ही ट्रक लगे पड़े हैं। बड़ा मज़ेदार लग रहा है। सो गाइस अभी अपन लोग रुके हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब लंच कहेंगे, ब्रेकफास्ट कहेंगे, जो भी कहेंगे। हम थोड़ा चने वने खा के घर से निकले ही थे, बट अभी थोड़ा भूख लग रही थी तो अभी यहाँ पे रुके हैं। बट ये लोकेशन इतनी गजब है ना यार, मतलब मज़ेदार लग रहा है। आपको दिखाता हूँ, और मेरे पीछे देखो कैसा लग रहा है, एकदम ऐसे अलग ही दिख रहा है ना पीछे का पूरा एरिया। और सामने है ढाबा, ये है ढाबा जहाँ पे हम खाने वाले हैं। और यहाँ पे देखो चारपाई वगैरह लगा रखी है। ठीक है, तो अपन इधर खाने वाले हैं। और ये देखो किस तरीके से यहाँ बैठने का अरेंजमेंट है, मज़ेदार लग रहा है। और आपको यहाँ से आगे का व्यू दिखाता हूँ मैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये पहाड़ियाँ थोड़ा अलग ही दिख रही हैं, मज़ेदार ऐसे चट्टान चट्टान सी, गजब ही लग रहा है। ओए होए होए होए, वो देखो वहाँ पे गाय लेके आ रहे हैं। और यहाँ का सामने का नज़ारा देखो। सो गाइस हमारा खाना आ गया, और आज पूरा लग रहा है इतने बटर वटर डाल के मेरा पूरा हफ्ते का मेहनत बराबर होने वाला है। और इस जगह का नाम बताया था, क्या होता था? भूल, जमहूड़ा। क्या गजब नाम है ऐसा जमहूड़ा, भाई साहब रोटियाँ देखो। ओए मज़ा आ गया, मज़ा आए। ये एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, मतलब इस तरीके से खाना और ऐसे लोकेशन पे बैठना, मतलब आज का दिन मज़ेदार है सच में हमारा। अच्छा था मतलब, बहुत बढ़िया खाना था। और ये इनका ढाबा है, आपका नाम क्या है? विजय सिंह। तो ये अपने विजय सिंह भाई हैं, इनके ढाबे हमने खाया, बहुत बढ़िया था यार, बहुत अच्छा लगा। और अभी अपन लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत बढ़िया लोकेशन पे इनका ढाबा है, कभी आते हैं तो यहाँ ज़रूर बैठे खाए सभी लोग। तो गाइस अपन रेडी हो गए, बस निकलने वाले हैं। और रास्ते में आते वक्त आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रक दिखाए थे हमने ऐसे रोड पे लगी हुई थी। तो एक भाई से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि जैसे ये रास्ता जो है ना, वो श्रीनगर के लिए जाता है, तो एक दिन रास्ता है मतलब जाने के लिए है और एक दिन आने के लिए उधर से। तो फाइनली अपन लोग पहुँच गए हैं और हम लगाने वाले हैं पार्किंग में अपनी बाइक। हम पहुंच गए हैं मानसर लेक, और यहाँ पे पार्किंग था, पार्किंग में हमने बाइक खड़ी की है। बस बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रहा है यार, गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं। और सामने हमारे लेक है। तो गाइस अभी यहाँ पे हम लोग देखो ये आटा बेच रहे हैं ना, यहाँ पे मछलियों को खिलाने के लिए आटा मिलता है, और हम लोग ने लिया है इतना सारा था, वो तो सारा कह रहा था पता नहीं। अच्छा ये देखो गाइस यहाँ पे कितनी सारी मछलियाँ हैं यार ऐसे, और पूरा सभी लोग लगे पड़े हैं खिलाने के लिए, क्या बात है। ओ माय गॉड, ये आखिर चला छू भी सकते है ना, इतना मोटा मोटा मुंह खोल रहे ना। ओह
अबे कैसा लगा चुके आपका नाम क्या है? पाकीज़ा। पाकीज़ा, ये है पाकीज़ा, देखो ये भी मछलियों को आटा खिला रही है, क्या बात है। मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है और मछलियों को आटा वाटा खिला के मज़ा आया। इतनी सारी मछली ऐसे बड़े बड़े मुंह खोल के आ रही थी, गजब ही लग रहा था। और खूबसूरत जगह है यार यहाँ पे। कभी जैसे हमें मानसर लेक पे, इसी से थोड़ा आगे है सुरिंसर लेक, ये दोनों मतलब जुड़वा लेक ऐसे माना जाता है। और ऐसे है कि इसकी जो स्टोरी है, ये दोनों लेक महाभारत के टाइम से जुड़ी हुई हैं। तो मानते हैं कि अर्जुन जी की एक गर्लफ्रेंड थी वो नाग कन्या थी, तो उनसे उनका एक बेटा था, और गलती से मतलब अर्जुन जी के जो बेटे थे उन्हें पता नहीं था कि हमारे पापा हैं, और उन्होंने अर्जुन जी का सर काट दिया था। तो उस टाइम पे फिर जब उन्होंने अपनी मम्मी को अर्जुन जी का सर दिखाया कि ये मैं काट के लाया हूँ करके, तो उनकी मम्मी ने बताया कि तुम्हारे पापा हैं, और उन्हें ज़िंदा करने के लिए उन्हें एक मणि चाहिए थी, नागमणि। उसको लेने के लिए ये दोनों लेक्स बनी थी। तो जैसे क्या था, नागमणि थी ज़मीन के अंदर, और नागमणि लेने के लिए उन्हें ज़मीन में गड्ढा करना था। तो उन्होंने अपना बाण मार के जैसे भी ऐसे गड्ढा किया, तो जिस साइड से गड्ढा हुआ मतलब वहाँ पे सुरंग बनी, तो वो नाम हो गया सुरिंसर। मतलब ऐसे सुरंग से ही सुरिंसर बना, और फिर जहाँ से वो मणि लेके बाहर आए वही ये लेक है। तो इसका नाम मणि से ही फिर मानसर हो गया। और ये सामने दिख रहा है मंदिर, यहाँ पे देवता का मंदिर है ये, सही है। नाग का नाग मंदिर है यहाँ पे। कपल्स के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी मानी जाती है, जैसे जो नए न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं वो लोग आते हैं इधर, आशीर्वाद लेते हैं। और ये है वो मंदिर, देखो। तो ये है नाग मंदिर, और अभी हम अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। वो वाह, विष्णु भगवान की प्रतिमा बनी है मेरे पीछे, देखो। अब हम यहाँ से वापस जाएंगे और आगे जाएंगे, दूसरा लेक देखेंगे। क्या नाम था उसका? सुरिंसर। हम जाएंगे सुरिंसर लेक। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि मछलियों को आटा खिलाना सख्त मना है, और यहाँ पे सभी लोग आटा खिलाने में लगे हुए हैं, और यहाँ पे लोग आटा सान गूद गूद के मतलब आटा बेच भी रहे हैं खिलाने के लिए। खतरनाक ही है भाई। हम भी आए थे तो हमने भी वो बोर्ड नहीं देखा था, लेकिन अभी वापस जाते समय बोर्ड देखा मैं, कहा यार ये देखो गजब ही उल्टा काम हो रहा है यहाँ पे। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच गए हैं सुरिंसर लेक, और ये तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। मतलब मेरे को वहां से ज़्यादा अच्छा यहां लग रहा है, मतलब अलग ही फील हो रहा है यहां पे, फ्रेश और खुला खुला सा, नहीं। सो भाई फाइनली हम लोग बोटिंग करने वाले हैं, और हम जा रहे हैं ये चप्पू चलाने वाले वाले बोट में, और इसका प्राइस इन्होंने 300 रुपये बताया है। चाहे आप दो लोग जाए चाहे चार लोग जाए, 300। सो गाइस इस लेक के बीच में ना यहाँ पे एक छोटा सा टापू भी है, और इसमें बहुत सारे पेड़ वेड़ लगे हैं। यहाँ पे ऐसे चमगादड़ उल्टे लटके पड़े हुए हैं, और ये हमारे यहाँ इसको कौन सी पंछी बोलते हैं यार, ये मछली पकड़ती है, कौन सी माइग्रेटिंग वैसे कह रहे हैं, मतलब माइग्रेट करते होंगे ना, यहाँ से वहाँ चले जाते होंगे दूसरे। दिखाओ और देखो कितना मजेदार है, वाह यार। इसके अंदर नहीं जा सकते, आप कभी गए हो? सुंदर लग रहे हैं ना, ब्राउन ब्राउन बहुत प्यारे है, चम नहीं, फिर भी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सामने वहाँ पे नाग की मूर्ति है,
और ये जहाँ ऐसे आपको पताके वगैरह दिख रहे होंगे उसके बीच में है, ऐसे दिख तो नहीं रहा होगा कैमरे में। और वहाँ पे देखो एक छोटा कछुआ ऐसे पेड़ पे चढ़ा हुआ है डहली पे, इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि बीच में रास्ता था जो कि ऐसे डूब गया वैसे पानी में, अलग क्या बात है। ये जो लेक है यहाँ से और मानसर लेक तक 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दोनों जो तालाब है मानसर और सुरिंसर दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है कहते हैं अंदर से सुरंग से, तो इसीलिए इनको जुड़वा लेक कहा जाता है ना। रिकॉर्ड चोरा लेक से थोड़े ऊपर आ गए। ये जो हमारे बोट वाले थे उन्होंने ये जगह बताई और बोला यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। तो यार देखो सबसे मतलब मेन बात ये है कि आप जैसे कहीं भी घूमने जाते हैं ना तो एक तो फेमस जगह होता है मेन पॉइंट जहाँ की सभी पहुँच जाते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मतलब मैं क्या हमारा सोचना ऐसा है कि अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो उसके आसपास ऐसे एक्सप्लोर करो चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं। जैसे अभी हम वहाँ से इधर कोई नहीं आ रहा और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया है पूरा, पीछे जो घर दिख रहे थे उन्होंने जो दिखाया वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस वगैरह है। और यहाँ से अभी हम ऊपर जा रहे हैं, थोड़ी सांस भी फूल रही है मेरी। यहाँ से वो कह रहा था कि मानसर लेक के लिए ट्रैक भी जाता है। हाँ लोग मानसर 16 किलोमीटर है यहाँ से डिस्टेंस मानसर लेक का, लोग यहाँ से ट्रैक करके भी जाते हैं। और ऊपर जाके व्यू दिखाता हूँ आपको, मज़ेदार होगा। यहाँ से नज़ारा देखो कितना मस्त दिख रहा है, नीचे ये खेत 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 बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। और हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर, वो सामने मंदिर दिख रहा है उस मंदिर के पास। ऐसे जब चढ़ाई कर रहे हैं सांस फूल रही है, अलग ही फील हो रहा है, मज़ा भी आ रहा है। और ये मंदिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, ये अलग ही टाइप का है और एकदम शांत एकांत में है, ये कोई नहीं है यहाँ पे। वो देखो कैमरे में तो बहुत ही छोटा दिख रहा है बट यहाँ से व्यू देखो पूरा लेक दिख रहा है यहाँ तक है। वाह क्या बात है, एकदम नज़ारा देखो कितना गजब है ना। हमने तो मंदिर में दर्शन किया वैसे और फिर अब यहाँ से हम वापस चल रहे हैं। सो गाइस आज का ये हमारा ट्रिप बहुत ही मज़ेदार रहा है, हमने बहुत सारे मज़े किए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ढाबे वगैरह पे खाया, इधर उधर घूमे, मज़े किए। और ये जगह काफ़ी अच्छी है वैसे। और अब हम यहाँ से वापस घर जा रहे हैं, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं किसी ऐसे अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।